हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुखबरा बनाने वाले हैं जो कि मैदा से बनता है। बहुत ही आसान है बनाना। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अब मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, स्वाद अनुसार नमक डालना है आपको। अब हम इसमें आयल डालेंगे, आप जो भी आयल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसमें घी या मैंने रिफाइंड डाला है, आप इसको खस्ता करके रख लीजिए। मेरा ये आटा गूंथ चुके हैं, अब इसको बेलेंगे हम रोटी के जैसे। आप बेलिए बड़ा सा इसको, ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा मोटा नहीं करना आपको, बस इसको बेल लेंगे हम पूरा। बराबर से इसको बेल लेना है, बहुत ही ईजी है बनाना। आप इसको बनाकर चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये मेरा हो गया है, इसको हम कट कर लेंगे। ऐसे आपको सीधा काटना है, फिर इसके बाद साइड से आपको काटना है। जैसा सेब आप दे सकें ऐसा करेंगे। मैंने काट लिया है, ऐसे आपको काट लेना है। अब इसको हम इसमें निकाल कर रख देंगे। ऐसे चाकू की मदद से आपको निकालना है, उसी से काटना भी है चाकू से। ऐसे आपको निकाल लेना धीरे धीरे, इसको अलग अलग कर लेना है ताकि ये चिपके ना। हम कढ़ाई रख दिया है, इसमें मैंने तेल जो रिफाइंड है मैंने उसको डाल दिया है। अब उसको गर्म हो जाने देते हैं, फिर इसमें हम वो डालेंगे नमक पारा जो मैंने काटा है। अब इसको हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, जितना आप उसमें डाल सकें उतना आप डाल लीजिए। फिर इसको हम चलाएंगे, अलग अलग कर देना है आपको, जो इसमें चिपका हुआ है उसको अलग कर देना है। इसको पलटते रहना, और ये मेरा हो रहा है। थोड़ा हो जाने पर इसको निकाल देंगे हम, बस इसको चलाते रहिए इसे, ताकि जो दोनों साइड से पूरा हो जाए। अब ये मेरा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। मेरे हो गया है, ऐसे फिर से डाल देंगे। अब फिर से इसको चलाएंगे, फिर से निकालेंगे। अब ये मेरा बनके रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है, खाने में बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।